नमस्कार, आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। भारत के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक कहानी है। एक मजदूर जो दुबई में रहता है, वो काफ़ी दिन से दुबई में रहता है और वो जब घर आता है तो उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद फिर वो दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद उसकी पत्नी घर पे रो रो के उसका बुरा हाल होता है और उसे अच्छा नहीं लगता, तो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि क्या मैं नौकरी छोड़ दूँ। वो नौकरी छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे उसका जो सुपरवाइज़र होता है, जो मैनेजर होता है कंपनी का, इलेक्ट्रीशियन कंपनी का, वो कहता है कि नहीं, तुम नौकरी मत छोड़ो, तो कोई व्यवस्था बनाते हैं। होता क्या है कि वो किसी तरह से अपनी पत्नी को दुबई ले जाता है, दुबई ले जाता है और एक दिन किसी बात को लेकर के मैनेजर और इस मजदूर में बात होती है कि आपका काम धाम अच्छा चल रहा है, आपने पार्टी नहीं दिया। तो वो मैनेजर एक दिन इस मजदूर के घर आता है और जब देखता है पार्टी होती है, खाना पीना होता है, तो देखता है खूबसूरत पत्नी है, इसकी बहुत अच्छी पत्नी है और इसकी नज़र उस पर लग जाती है। फिर अपने वास को जाके बताता है, जो शेख होते हैं वहाँ पे, जो मालिक होते हैं, उनको ये बात मैनेजर बताता है। तो एक दिन शेख ने भी कहा कि चलो हम भी चलते हैं उस मजदूर के घर, कुछ पार्टी होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे और देखेंगे। फिर क्या था, अगली पार्टी उस मजदूर के घर उसके मालिक की हो जाती है। पत्नी खाना खिलाती है, सब कुछ व्यवस्था ठीक चलता है और उसके बाद इनाम के तौर पे वो शेख उसको मुँह दिखाई के तौर पे कुछ रिंग डिब्बी में रहता है, निकालता है और दे देता है। ये सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, जब शेख है, मालिक है, दे रहा है, उसे लेना ही लेना है। फिर शेख चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे शेख की भी नज़र इसकी पत्नी पे आ जाती है और वो इस मजदूर का इधर उधर दूर तक काम में भेजने लगता है। कुछ नज़दीक जब रहते थे तो वो जल्दी अपने घर भी आ जाते थे, लेकिन सब आश्चर्यचकित थे, मजदूर भी और उसकी पत्नी भी, कि आखिर आजकल हो क्या रहा है कि इनका काम बहुत दूर दूर तक लगाया जा रहा है और लंबे साइट पे इन्हें भेजा जा रहा है। होता गया, करीब 2-3 दिन बाद शेख के मजदूर के घर आने के 2-3 दिन के बाद एक गाड़ी आती है और शेख की ही होती है और उस मजदूर के कमरे पे जहाँ पे उसकी पत्नी है वहाँ पे रुकती है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि अरे वो है नहीं, आप अकेले यहाँ, हम अकेले हैं और आप वो ड्यूटी पे हैं। कहा मुझे मालूम है वो ड्यूटी पे हैं, लेकिन आप तो हो ना। फिर वो समझ नहीं पाती है कुछ, दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाके शेख बैठ जाता है, पानी पिलाती है, लेकिन कुछ देर बाद उस शेख उस मजदूर की पत्नी को लेकर के चला जाता है अपने साथ। जब काम से आता है वो मजदूर और फिर चिंता में पड़ता है कि अकेले, देखता है घर में है ही नहीं पत्नी, सन्न हो जाता है और चिल्लाने लगता है, घबराने लगता है और अपने मैनेजर को फ़ोन करता है कि मेरी पत्नी है नहीं। तो मैनेजर कहता है कि घबराओ नहीं, तसल्ली रखो, तुम्हारी पत्नी को कोई और नहीं ले गया है, अपनी कंपनी के मालिक शेख ले गए। ये वाकया है। अब खूबसूरत पत्नी को लेकर के मजदूर अगर दुबई गया और दुबई जाने के बाद अगर उसकी ये हालत हो गई, तो सोचिए किसके लिए कमाया, सोचिए कि वो पैसा क्या करेगा, ज़रा सोचिए कि वो दुबई जाने के बाद दोनों का क्या हालत होगा, ये किस तरह से अपने आप को मैनेज किया होगा। देश का, भारत का बहुत सारा नौजवान, बहुत लोग जाकर के दुबई में, सऊदी में, अरब कंट्री में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने परिवार को ले जाएं तो वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये बड़ा ट्विस्ट है इसमें और ये बड़ी कहानी बन जाती है, बड़ा मैसेज बन जाता है कि अगर अपने परिवार को कोई ले के जाता है तो अब सुरक्षित कैसे रहेगा। लेकिन ये घटना सच्ची है और ये हकीकत की घटना है और ये कहानी बन गई, लेकिन बाद में अब क्या हुआ होगा ये पता नहीं, लेकिन मैनेजर ने कहा कि जब उसका मन भर जाएगा तो सुरक्षित तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पास भेज देगा, लेकिन मजदूर की हालत क्या हुई होगी ये तो आप भी सुन सकते हैं। तो ये कहानी थी ग्वालियर के एक मजदूर की, जो अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने साथ दुबई लेके गया था और दुबई लेके जाने के कुछ ही दिनों बाद उसके साथ ये घटना घट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज़ टाइम। अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।